हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम ये एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करके दिखाएंगे, तो देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो ज़रूर से पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक ही कहना है कि वीडियो में पूरा जुड़े रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक एलईडी बल्ब है, तो इसको हम पहले से ही खोल के रखे थे। तो चलिए दोस्तों, इसको सप्लाई देते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं दोस्तों, इसमें साइड में रखते हैं। तो चलिए हम सप्लाई देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, हम सप्लाई दे दिए हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कंडीशन में मेरा बल्ब है, तो इसका क्या फॉल्ट है, एकदम शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हम मल्टीमीटर ले लेते हैं, 600 वोल्ट डीसी पे हम सेट करते हैं। तो 600 वोल्ट डीसी में हम सेट किए हैं, तो देख सकते हैं ऐसे ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। तो हम ये जो ये एलईडी बल्ब में दो चीज़ होता है, एक सर्किट होता है, ड्राइवर होता है, और एक एलईडी पैनल होता है। ये छोड़ के दोस्तों कुछ भी नहीं रहता है। एक एलईडी बल्ब में एक ड्राइवर रहता है, एक प्लेट रहता है एलईडी का। तो चलिए पहले हम सर्किट का वोल्टेज माप लेते हैं, देखते कितना वोल्टेज मेरे पास आ रहा है। इसमें कोई वोल्टेज आएगा तो मेरा सर्किट ठीक है, और नहीं आएगा तो ये सर्किट ख़राब हो चुका है। तो सर्किट में क्या प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। देखिए, ऐसे लाइट ग्लो कर रहा है, तो ऐसे ही पता चल रहा है सर्किट में कुछ तो वोल्टेज है, तभी ये एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं कितना वोल्टेज शो करता है। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा मल्टीमीटर है, ये देखने का कोशिश करिए। मल्टीमीटर कुछ रीडिंग देना चाहिए, वोल्टेज देना चाहिए। हम डीसी 600 वोल्ट पे सेट कर लिए है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 256 के आसपास शो कर रहा है, मोटा मोटी 250 वोल्ट शो कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर देखिए दोस्तों, तो 250 वोल्ट जब शो कर रहा है, तो समझ ही सकते हैं दोस्तों मेरा सर्किट ठीक है वोल्टेज जब शो कर रहा है। ये HPL का 20 वाट का बल्ब है दोस्तों, तो ये प्लेट के हिसाब से 20 वाट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसका हिसाब दूसरा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे वाला हम एक चिमटा ले लिया है, तो इसको ऐसे ऐसे शॉर्ट करते जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे हम शॉर्ट किए तो तीनों बल्ब ऑफ हो गया है। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट करते जाना है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम शॉर्ट जब कर रहा है, ये तीनों बल्ब ऑफ कंडीशन में चला जा रहा है। तो इसको भी ऐसे कर रहा है, देखिए दोस्तों ऑफ हो जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे करके सब एलईडी में आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, ये साइड का पूरा एलईडी ठीक ही है, तो इसमें हम टेस्ट करते हैं। कोई असेंबली एलईडी आपका फ्यूज़ हो गया होगा, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये भी ठीक है। देखिए दोस्तों, देखने का कोशिश करिए, यहाँ एक बल्ब टूट चुका है। तो ठीक है, मेरा तो लग रहा है कि प्रॉब्लम यहीं से हुआ होगा। तो देखिए, इसको हम टच कर रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों मेरा एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बल्ब मेरा सॉल्व हो जाएगा, ये तीनों बल्ब, मतलब ये जो तीनों SMD है, 1 2 3, देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3, ये तीनों SMD को हमको चेंज करने से ये बल्ब मेरा रेडी हो जाएगा। प्रॉब्लम तो पता चल ही गया होगा आप लोग को। तो ये करेंगे क्या, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसको हम SMD को चेंज नहीं करेंगे, इसका पूरा प्लेट ही हम लगा देंगे। तो ये प्लेट भी मिलता है दोस्तों, तो ये प्लेट के लिए एक हिसाब होता है। देखिए, ये एक एक पीस LED, ये 3 वाट का LED है। और एक प्लेट दिखाते हैं दोस्तों, ये 9 वाट का बल्ब है। देखिए, ऐसे टूट जाता है। देखिए, ये जो LED है, ये 9 वाट का LED है। ये एक एक पीस LED 1 वाट का, देखिए 10 पीस LED लगा हुआ है, मतलब ये 10 वाट का हुआ है। तो एक एक पीस LED आपका 1 वाट का LED है, तो एक एक पीस LED आपका 3 वोल्ट पे रन करता है, एक एक पीस LED। और ये भी आपका 3 वोल्ट पे रन करता है, और ये है आपका 3 वाट का LED। 1 वाट का LED 3 वोल्ट पे रन करता है, 2 वाट का LED 6 वोल्ट पे रन करता है, और 3 वाट का LED आपका 9 वोल्ट पे रन करता है। मतलब
ये सर्किट का एक एलईडी 9 वोल्ट पे रन करता है। तो चलिए आपको थोड़ा ड्राइंग करके दिखाते हैं कैसे रन करता है दोस्तों। देखिए हम एक ले लिए पेपर, तो देखिए दोस्तों 1 वाट देखने का कोशिश करिए दोस्तों। मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है, थोड़ा देखने का कोशिश करिएगा दोस्तों। 1.8 एलईडी ये रन करता है 3 वोल्ट पे, ठीक है दोस्तों। बात आ जाती है 2 वाट का, तो ये रन करता है 6 वोल्ट पे, देख सकते हैं दोस्तों। और ये 3 वाट का एलईडी जो होता है ये काम करता है 9 वोल्ट पे। तो दोस्तों ये मेरा 3 वाट का एलईडी है। ये एलईडी का देखिएगा, ये पकड़िए एक तो एलईडी है, तो इसका अंदर तीनों पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ऐसे तीनों पॉइंट देखने को मिलेगा। मेरा तो कैमरा ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है दोस्तों, नहीं तो आपको दिखाते हैं। देखने का कोशिश करिए दोस्तों, तीनों पॉइंट आपका इसका अंदर दिखाएगा। देखिए दोस्तों 1 2 3 शायद आपको दिख रहा होगा, तो 3 देखिए। तो ये बल्ब में ये जो सर्किट है इसमें 2 वाट का एलईडी लगा हुआ है। तो 2 वाट का एलईडी का सिंबल कैसा होता है, ये पकड़िए एक तो एलईडी है, तो इसका अंदर ऐसा 2 टर्मिनल रहेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, दिखाने का आपको कोशिश करते हैं, शायद कैमरा नहीं पकड़ पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, देखने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिखा रहा है 1 और 2, तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो ये मेरा काम करता है एक एक एलईडी 6 वोल्ट पे, मतलब कि ये 2 वाट का एलईडी है। तो ये पूरा सर्किट मेरा रन करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एलईडी है मेरे पास ये सर्किट में। तो 10 एलईडी, तो एक एक एलईडी 6 वोल्ट पे रन करता है, तो इंटू 6 वोल्ट, तो ये 60 वोल्ट पे आपका रन कर जाएगा दोस्तों। 100% एकदम 100% ये रन करेगा 60 वोल्ट पे। तो बात आ जाए ये सर्किट का, तो देखिए दोस्तों इसमें कितना एलईडी है। देखिए हम यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ से शुरू करते हैं, 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25, तो 25 पीस एलईडी है दोस्तों। तो 25 पीस मतलब कितना होता है, तो 25 पीस एलईडी इंटू, देखिए ये जब आपका 2 वाट का एलईडी था 6 वोल्ट पे रन कर रहा था, ये इसका एक एक पीस एलईडी 9 वोल्ट पे रन करेगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों 9 वोल्ट, तो ये कितना आएगा 45, देख सकते हैं दोस्तों 225 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो ये सर्किट मेरा 225 वोल्ट आपका एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए दोस्तों ये सर्किट मेरा 225 वोल्ट एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि इसमें आ रहा था कितना 250 वोल्ट के आसपास। जब हम देखिए आपको फिर से दिखाते हैं, देखिए हम सप्लाई देते हैं इसमें, देखिए दोस्तों इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है दोस्तों, क्योंकि हम पूरा एकदम सिखाने का कोशिश करते हैं, न्यू टेक्नीशियन को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए इसको हम टच कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर कितना शो कर रहा है मेरा, देखिए दोस्तों 236 वोल्ट के आसपास शो कर रहा है, 240 वोल्ट शो कर रहा है। तो ये एलईडी को हम चेंज करेंगे, तो कौन सा एलईडी प्लेट लेना पड़ेगा। देखिए आप ये भी जला सकते हैं, देखिए ये एक फिर 60 वोल्ट पे रन करता है, देखिए ये जो 60 वोल्ट पे रन करता है, और इसको चाहिए मतलब ये एलईडी बल्ब को चाहिए आपका 225 वोल्ट का सर्किट, तब वह ठीक ठाक मतलब काम करेगा, ग्लो करेगा। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ये एक एक पीस 60 वोल्ट पे रन करता है, तो इसमें जब 240 वोल्ट आ रहा है, तो आप ये वाला 4 पीस ले सकते हैं, ऐसे 4 पीस लेके इसको सीरीज कनेक्शन कर दीजिएगा। तो सीरीज कनेक्शन कैसे होगा दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों आपको जस्ट दिखा देते हैं, नहीं करेंगे अभी। तो देखिए ऐसे हम पकड़ लिए हैं, तो कनेक्शन कुछ ऐसा होगा, देखिए ये एलईडी का प्लस,
प्रोबेबिलिटी का एक प्लस और एक माइनस है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या करिएगा दोस्तों, ये माइनस के साथ ये प्लस जोड़ दीजिएगा और ए माइनस के साथ ए प्लस जोड़ दीजिएगा, तो ए माइनस के साथ ए प्लस जोड़ दीजिएगा, तो बच जाएगा क्या आपका, इधर में बच जाएगा माइनस और इधर में बच जाएगा प्लस। तो देख सकते हो, तो एक एक एलईडी प्लेट आपका 60 वोल्ट पे रन करता है, तो 1 2 3 4 एलईडी प्लेट मेरे पास है, तो 4 एलईडी है, तो 4 एलईडी इंटू 60 वोल्ट, तो 240 वोल्ट मेरा आ रहा है दोस्तों। तो ये भी आप इस सर्किट में लगा सकते हैं। तो हम ये सर्किट नहीं लगाएंगे दोस्तों, हम लगाएंगे कुछ दूसरा सर्किट। देखिए हम लगाएंगे ये सर्किट, देखिए दोस्तों इसमें भी 3 वाट का एलईडी लगा हुआ है, देखिए आपका ठीक ये वाला सर्किट इसमें नज़र में आएगा। देखिए दोस्तों दिखाने की कोशिश करते हैं, कैमरा शायद पकड़ नहीं पाया, मतलब पकड़ नहीं पाएगा, देखिए नहीं आ रहा है दोस्तों। तो देख लीजिएगा ऐसा ही सिंबल रहता है, तो देखिए इसको हम ऐसे मुंह काट लेते हैं। देखिए ये एलईडी, सो एलईडी को आप गौर से देखिए, देखिए ये 3 वाट का एलईडी लगा हुआ है, तो कितना एलईडी इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 पीस, तो 27 पीस एलईडी इसमें लगा हुआ है दोस्तों। तो 27 एलईडी लगा हुआ है इनटू कितना, ये एक एक पीस एलईडी 3 वाट का एलईडी मतलब 9 वोल्ट पे आपका रन करेगा, तो 9 वोल्ट, तो कितना हो रहा है दोस्तों, शायद 243 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये सर्किट आपका 243 वोल्ट एक्सेप्ट कर सकता है, और जबकि ये सर्किट का इसका वैल्यू था 240 वोल्ट, तो 3 वोल्ट जब ये एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर सकता है बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों ए बल्ब के लिए। तो इसको हम लगा के देखते हैं जलता कि नहीं। देखिए दोस्तों ये प्लेट भी रिपेयरिंग हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ये एलईडी ये एलईडी ये एलईडी हम चेंज कर देंगे तो ये बल्ब रेडी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जिसके पास, जो दोस्तों के पास डिसोल्डरिंग मशीन नहीं है दोस्तों, वो कैसे करेगा, वो घर में कैसे रिपेयरिंग करेगा, तो मार्केट में जाएगा बोलेगा कि मेरा ऐसा वाला प्लेट चाहिए, कि ये प्लेट लेके गया है दादा, ये प्लेट हमको दे दो, तो ऐसे लेके ऐसे जोड़ के अपना घर का एलईडी वो रिपेयरिंग कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इतना हिसाब करके हमको बोलना पड़ा। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बने दोस्तों, थोड़ा पूरा देख लिया कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा आपको प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे, देखेंगे ये बल्ब ग्लो करता है कि नहीं, जो हो रहा है दोस्तों आपका पूरा एकदम सामने हो रहा है, एकदम लाइव हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम खोल लेते हैं, मेरा हिसाब से तो जलना चाहिए, 100% जलना चाहिए थ्योरी के हिसाब से, तो नहीं जलेगा तो कभी कभी क्षेत्र थ्योरी भी काम नहीं करता है दोस्तों, प्रैक्टिकल काम करिएगा तो समझ में आएगा, कभी कभी थ्योरी भी काम नहीं करता है। तो चलिए जो हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है, और जो होगा आपका सामने में ही होगा। तो देखिए दोस्तों हम ऐसे खोल लिए हैं, तो क्या करते हैं अभी ये प्लेट को ले लेते हैं और इसमें हम ऐसे लगा देते हैं, हम जस्ट ऐसे ही एक स्क्रू हम लगाते हैं, बाद में लगाएंगे, जलना तो चाहिए, नहीं जलेगा तो दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, 100% जलना चाहिए, ग्लो करना चाहिए दोस्तों, थियोरी वही कहता है। तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, हम 100% रिप्लाई दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो जरूर पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मेरे को भी पता चल रहा है दोस्तों। तो चलिए कुछ सीखने के लिए कुछ टाइम तो देना ही पड़ता है। देखिए दोस्तों हम ऐसे कनेक्शन कर दिया है, देखिए ठीक से देखिएगा दोस्तों, देखिए ये जो एलईडी का देख सकते हैं दोस्तों, ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है, तो प्लस में हम रेड वाला वायर जोड़ दिया है और माइनस में ब्लैक वाला तार जोड़ दिया है, वायर जोड़ दिया है। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखते हैं दोस्तों, देखिए इसको हम ऐसे सप्लाई दे रहे हैं, तो चलिए एक बार सप्लाई देते हैं क्या होता है देखते हैं। चलिए देखिए
देख सकते हैं दोस्तों, मेरा एलईडी फुल ग्लो कर रहा है। तो आपको कैमरा में शायद दिखा रहा होगा वो ब्लिंक कर रहा है, ये एक्चुअल में ब्लिंक नहीं कर रहा है दोस्तों, ये आपका कैमरा का कैमरा है इसीलिए आपको ऐसे दिखा रहा है। ये 100% ठीक ठाक जल रहा है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैमरा के लिए ऐसा हो रहा है। तो आप भी घर में ट्राई करिए, 100% इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा भी आपका इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका दोस्त भी ये बना सके, एलईडी लैम्प को फेंक ना दे। और तो ऐसा ही वीडियो हम लाते रहते हैं, तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरा चैनल में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कोई दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।